खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। छतरपुर जिले के मुस्लिम समाजों ने हजारों की तादाद में कल 1 तारीख को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जो झारखंड में तबरेज अंसारी की हत्या कर दी गई है उनके अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस हजारों की तादाद में काफी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये जो हमारे देश में केस ज्यादा हो रहे हैं, कई तरीके से कई जिलों में अलग अलग तरीके से लिंचिंग की जा रही है। जैसा कि अभी हाल में झारखंड में तबरेज आलम को मार दिया गया है, इसके बाद अभी इसी मंगलवार को दिल्ली में एक कपड़े की दुकान में काम करने वाले मुस्लिम भाई को इतने पे मारा गया कि ये मुसलमान है ना। इस तरीके से ये लिंचिंग के जो केस चल रहे हैं उसके विरोध में आज मुसलमानों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आगाह किया कि इस तरीके से अगर ये होता रहा शहर में या देश में तो इसके गलत परिणाम होंगे। उनको आगाह किया गया कि मुसलमानों की और किसी भी कौम के लोग हो जो इस तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से मारपीट या करते हैं, उनको रोका जाए। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के साथ भी इस तरीके की नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। इसके एवज में आज हम लोगों ने यहाँ मस्तान बाबा के मैदान में यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। घटना उसी तारतम्य में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। एसडीएम महोदय आए तो उनको ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है प्रशासन से, शासन से, व्यवस्था से, और यहाँ तक कि आप जो 14 स्तंभ है मीडिया जो 14 स्तंभ समझ आया था, आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि लिंचिंग की घटनाएं रोकी जाए। अगर ये भीड़ तंत्र अगर बढ़ेगा तो देश की व्यवस्था के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे अगर खतरा सबसे ज़्यादा पैदा होगा तो डेमोक्रेसी को पैदा होगा। भीड़ तंत्र जैसा चाहेगी वैसा करेगी। अगर भीड़ तंत्र को नहीं रोका गया तो देश की अखंडता अक्षुण नहीं रह सकेगी। अगर देश की अखंडता चाहिए है तो इस मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र को रोका जाए। भीड़ का कोई धर्म नहीं, कोई कोई उसका वो नहीं, कोई दिमाग होता है उसका। भीड़ जैसा चाहती है वैसा करती है। इसलिए इस भीड़ को हम ये चाहते हैं, जो भीड़ तंत्र बन रहा है आज की स्थिति में, इस भीड़ तंत्र को रोका जाए। मन में दिया गया कि जिस शहर देश में अराजकता फैलाई जा रही है, भूख लिंचिंग के काम मुसलमानों को जैसे जगह तो मार रहे हैं, तो आज सब मुस्लिम समाज ने इकट्ठा होकर ये निर्देश दिया है और ये ज्ञापन दिया है। मुसलमान को कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। अभी हम लोग फिर देश की असमत के लिए चुपचाप और खामोश है कि हमारे देश में जो अमन चैन कायम है वो हमेशा कायम रहे। हम लोग मुसलमान सब ये नहीं चाहते हमारे देश में शहर में अशांति फैले, लेकिन कुछ असामजामक असामाजिक तत्व के लोग मिलकर देश को शहर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक इकट्ठे झुंड बनाकर एक निहत्ते मुसलमान को या किसी दलित को या किसी भी समाज के वर्ग को मारा जा रहा है। ये बहुत गलत है, इससे देश में नफरत फैल रही है। हम सब लोग ने आज ये इकट्ठा होकर ये पैगाम दिया है शासन को, प्रशासन को और देश के प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसको रोका जाए और देश की एकता अखंडता को कायम रखा जाए। और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे अपने विचार रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट महोदय द्वारा ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई होगी। अच्छे शुभ से यहाँ के आज उनसे बात हुई है, यदि वो घटना का बताते उस संबंध से जो उचित कार्रवाई होगी। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।